2024 के आम चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से जारी की गई पहली लिस्ट में पवन सिंह का नाम भी शामिल था, लेकिन पार्टी इसमें बुरी तरह घिर गई। पवन सिंह के अतीत और उनकी पहचान ने बीजेपी पर कई सवाल खड़े किए। आखिरकार पवन सिंह को खुद ही आकर कहना पड़ा कि वह आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाजपा ने पिछले हफ्ते शनिवार को लोकसभा के उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। इसमें पश्चिम बंगाल की 20 सीटों के उम्मीदवारों की नाम की घोषणा की गई थी। इस लिस्ट में सबसे दिलचस्प था हिंदी भाषी बहुल आसनसोल सीट पर भोजपुरी गायक पवन सिंह का नाम, लेकिन इस सूची के सामने आते ही तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने पवन सिंह के पुराने गीतों का हवाला देते हुए उनकी आलोचना शुरू कर दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील अभिषेक मनु सिंघवी तक ने पवन सिंह की उम्मीदवारी को शर्मनाक बताया, लेकिन पवन सिंह की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी बंगाल में सबसे ज्यादा घिरती दिख रही थी। आलोचनाओं पर प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने शनिवार रात कहा था कि साफ है कि तृणमूल कांग्रेस चुनाव से पहले ही आसनसोल सीट पर हार मान चुकी है। यह हमले उसकी हताशा का प्रतीक है, लेकिन रविवार सुबह जब खुद पवन सिंह ने भाजपा के केंद्रित नेतृत्व का आभार जताते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया तो समीक भट्टाचार्य के सुर बदल गए। उनका कहना था कि फिलहाल विस्तार से कुछ पता नहीं है, पार्टी नेतृत्व उनसे इस बारे में बात करेगा, उसके बाद ही असली वजह का पता चलेगा। शनिवार शाम से राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे पर चर्चों का बाजार गर्म है, जो रविवार को पवन सिंह के चुनाव लड़ने से इनकार के बाद और तेज हो गया। अब उनके इनकार के पीछे की वजहों पर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। पवन सिंह एक लोकप्रिय भोजपुरी गायक हैं और उनके कुछ गीतों को बेहद हिट और लोकप्रियता मिली है। उन्होंने प्रतिज्ञा, सत्या और हर हर गंगे जैसी फिल्मों में काम किया है। भोजपुरी इंडस्ट्री के वह लोकप्रिय चेहरा है। हालांकि उनके गीतों पर अश्लीलता के आरोप ही लगते रहे हैं। हम हसीना बंगाल के जैसे गीतों के जरिए बंगाल के महिलाओं के प्रति अश्लील नजरिया रखने के पहले भी उनकी आलोचना होती रही है। करीब 2 दशक तक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े पवन के राजनीतिक करियर की शुरुआत 2014 में तब हुई थी जब भाजपा के तत्कालीन महासचिव अरुण सिंह ने उनको पार्टी में शामिल किया था।